क्या आपके प्रिंटर में भी कुछ इस तरह का एरर यहाँ पे शो कर रहा है, तो किस तरह से हम इसे क्लियर करेंगे चलिए देखते हैं। सो मेरा तो क्या है, यहाँ पे फिलहाल कोई एरर शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका एरर शो करे तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा होगा इस डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। तो आपको जाना है होम, रिसेट, बैक, फिर होम। ये करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉपियर, फीडर, टेस्ट मोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपियर में, ये कॉपियर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे फंक्शन में, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको फंक्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइए सेकंड वाले ऑप्शन में क्लियर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इस क्लियर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे पहला ये जो ऑप्शन है एरर, ERR लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वो बोलेगा कि अप्लाई करने के लिए प्रेस स्टार्ट बताइए, मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है इसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये एग्जीक्यूटिंग होना शुरू होगा और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका पावर जो है यहाँ से आप ऑफ करिए, ठीक है, ये ऑफ हो गया। अभी हम फिर से इसको ऑन करेंगे, ठीक है, देखिए अभी ऑन हो रहा है और होने के बाद ये कुछ इस तरह का आपका शो करने लगेगा और जो भी एरर था वो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये। तो अगर आपके प्रिंटर का एरर भी क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।